पहलवान सागर धनखड़ के हत्याकांड में शामिल होने के आरोप में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार 23 मई को सुशील कुमार को गिरफ्तार किया था। सुशील के साथ ही अजय उर्फ सुनील को भी दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने सुशील को 6 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है। सुशील कुमार उत्तर रेलवे में सीनियर कमर्शियल मैनेजर के पद पर 2015 से प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। उनका कार्यकाल 2020 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन वे इसे 2021 तक बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अर्जी दी थी। उत्तर रेलवे के पीआरओ दीपक कुमार ने पीटीआई को बताया कि रेलवे बोर्ड को इस मामले पर दिल्ली सरकार से रविवार को एक रिपोर्ट मिली है। सुशील कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसका आधिकारिक आदेश कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। उत्तर रेलवे में तैनात सुशील कुमार को दिल्ली सरकार ने छत्रसाल स्टेडियम में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर तैनात किया था, लेकिन अब यहां से भी उनकी छुट्टी तय मानी जा रही है। हाल ही में सुशील कुमार को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष भी बनाया गया था, उनका ये पद भी जा सकता है। सुशील कुमार और उनके साथियों पर आरोप है कि 4 मई 2021 की रात उन्होंने पहलवान सागर धनखड़ को अगवा किया। इसके बाद छत्रसाल स्टेडियम में ले जाकर सागर को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि अस्पताल में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर सुशील की तलाश करनी शुरू कर दी, लेकिन सुशील सामने नहीं आए। दिल्ली पुलिस ने उनके ऊपर 1,00,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। 19 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद 23 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार अजय पर भी पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया था। देश के लिए ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल दिलाने वाला सुशील कुमार जिस हिम्मत और ताकत से साथी खिलाड़ियों पर भारी पड़ता दिखता था, वह आज सलाखों के पीछे पहुंचते ही टूट गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास और थाने में सिर झुकाकर रह रहा है। पहलवान सागर की हत्या में पकड़े जाने के बाद सुशील मॉडल टाउन थाने में पुलिस रिमांड पर है। क्राइम ब्रांच की हिरासत में सुशील कुमार ने पूरी रात जागकर बिताई, यहाँ तक कि उसने भोजन करने से भी मना कर दिया। वह रात में भी कई बार रोया। पुलिस के अनुसार तड़के 2 घंटे के लिए सुशील को नींद आई, फिर सुबह कानूनी प्रक्रिया आदि के लिए उसे जगा दिया गया। हालांकि सुशील का साथी अजय पुलिस हिरासत में शांत होकर बैठा था और उसने भोजन भी किया। पुलिस की पूछताछ में सुशील कुमार ने बताया कि वह सागर को सिर्फ डराना चाहता था, इसके लिए पिटाई की थी, हथियार भी इसलिए लाए गए थे। इस पूरी घटना का वीडियो खौफ पैदा करने के लिए बनवाया गया था। उसने बताया कि घटना के बाद भी वह छत्रसाल स्टेडियम में ही था, लेकिन जब सागर की मौत की सूचना मिली तो वह भाग गया। दिल्ली लौटने पर सुशील ने एक महिला मित्र से स्कूटी मांगी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 1।